देखिए ये दोनों को। राधे राधे दोस्तों, मैं तनुजा, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं, अभी नाश्ता वगैरह सब बना चुकी हूँ और मैं घर में पूजा कर चुकी हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँगी, तो कबूतर को खाना देने और गाय को रोटी देने, इसके बाद ही कोई काम करूँगी। चलिए दोस्तों, पहले चीकू पीकू से मिला लेती हूँ, नहीं तो फिर इसको टेंशन हो जाएगा। देखिए चीकू पीहू का नया घर, आप देख रहे हैं इसका नया घर बनाई है उसमें। चीकू पीहू बोलो दोस्तों का राधे राधे। देखिए चलिए दोस्तों, अभी कहाँ जाना है आपको तो बता चुकी हूँ कि कहाँ जाना है। चलिए कबूतर का भी दाना दे चुकी हूँ, कबूतर से भी मिल रही हूँ। देखते हैं, अभी जाऊँगी गौशाला, पहले देखिए कबूतर का। ये देखिए लोग, चलिए दोस्तों अभी जाऊंगी कहाँ, अब गौशाला जाऊंगी। ये सब भी एक काम होता है, टाइम निकाल के ये सब जरूरी होता है करना। आजकल कलयुग है, जब तक आप ये सब काम नहीं करोगे तो आपको कलयुग में कैसे गुजारा होगा, है ना। देखिए दोस्तों, ये बत्तख पूरे टाइम यही लोग के साथ, गाय के साथ ही रहती है। देख रहे हैं ना, कितना ही लोग को अच्छा लगता है। ये देखिए, ये दो अभी हुआ है, एक ये और एक ये। देखिए ये देखिए, एक बत्तख रोज यहाँ पे आने लगा है, रोज रहेगा, दोनों का दोस्ती है। चलिए दोस्तों अभी जा रही हूँ, हो गया गौ माता का दर्शन किया हुआ, आप लोग भी कर लिए। कहाँ बत्तख चला गया, बत्तख को दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत प्यारा बत्तख लगता है। देखिए ये दोनों को। चलिए दोस्तों, गौशाला का आप लोग भी दर्शन कीजिए। देखिए छोटे छोटे बच्चे, कितना गौ माता का है। ये देखिए, ये लड़की को देखिए, छोटी बच्ची है। डर नहीं लगता है, बाबू का आदत होता है। चलिए दोस्तों, कबूतर को भी दाना दे चुकी, गाय का भी हो चुका है, गौशाला का भी दर्शन आप लोग को भी करा ही चुकी हैं। कम से कम दर्शन करने से भी तो पुण्य मिलता है ना। आराम से थोड़ा सा 10 मिनट बैठ गई हूँ, थोड़ा आप लोग से बातें कर लेती हूँ। क्या बातें करूँ आप लोग से, बातें तो बहुत करना चाहती हूँ, लेकिन आप बोलोगे कि बस एक ही टाइम, एक ही चीज़ आप सुनाते रहते हो, क्या सुनाएगा, जिसमें बीतेगा वो ज़रूर सुनाएगा ना। तो कितना अच्छा घास है यहाँ पे, ये देखिए कितना अच्छा घास है ना, दुब्भी। पूजा वाला से मांगोगे ना तो देगा नहीं जल्दी दुब्भी, और अभी देखिए कितना अच्छा दुब्भी है। दोस्तों आजकल क्या है ना, कोई भी आदमी अगर आपको कुछ देगा ना तो 10 बार रटेगा, लेगा तो आपको एक बार भी नहीं बताएगा। जब आप देने के टाइम में बोल सकते हो 10 बार, तो लेने के टाइम में भी बोलो ना, ताकि सामने वाला का सुन के अच्छा लगे कि मैंने कुछ किया है तो याद तो करो। आपका अगर कोई साथ देता है बुरे वक्त में तो उसे याद करना तो चाहिए ना, लेकिन आजकल ईमानदारी नहीं है। इस बच्चे को देखिए, आजा 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 आजा, देखिए ये लोग को खेलना अच्छा लगता है, आजा। नहीं तो वही बोले कि करना चाहिए। बोलो हेलो, बोलो बाय, बोलो बाय, बोलो दोस्तों को, चलो बोलो बाय, ऐसे करो, ऐसे नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना है तो जाओ खेलो। ये लोग को भी अच्छा लगता है ना खेलने के लिए। ये मैं बातें कर रही हूँ तो इसको लगता है किससे बातें कर रही है, मैं आप लोग से बातें कर रही हूँ तो इस बच्चे को लग रहा है कि अकेले किससे बातें कर रही है। अकेले नहीं है, मैं बहुत लोगों से बात कर रही हूँ,
हर कोई ऐसा थोड़े कि सुनता नहीं, अपने आपके रिश्तेदार आपकी बातें सुनना नहीं पसंद करेंगे। इधर धूप की रोशनी आती है, आपके रिश्तेदार आपका बात सुनना नहीं चाहेगा, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता है। और क्या बोलोगे, बोलने से क्या होता है, कुछ तो नहीं होता, लेकिन दुख तो थोड़ा ज़रूर हल्का होता है दोस्तों, है ना। ये लोग तो देखिए। चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग बस इतना ही, बातें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी। चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में। आप लोग को क्या करना है, लाइक करना, कमेंट करना, नहीं तो सब्सक्राइब करना है। बाय बाय।